वैसे तो भारत अपने आप में अद्भुत और अलौकिक के साथ साथ अतुल्य है। यूं ही नहीं, भारत को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। भारत की अलग अलग जगहों पर तो आप घूमे ही होंगे, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जो आपको ज्ञान से भर देती है। आज एक ऐसी ही जगह का मैं जिक्र करूंगी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ और भी जानना चाहिए। देखिए, भारत वो देश है जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जाति के हैं, और जिस तरह से हम सबका अपना अपना घर है जिस पर हमारा पूरा अधिकार है, वैसे ही ये भारत भी हम सबका है, ये हमारा घर है। तो भारत में तमाम लोग ऐसे हैं जो वास्तु शास्त्र को मानते हैं और घर से लेकर दफ्तरों तक का निर्माण भी इसी तरह से करवाते हैं। जैसे हमारे घर का आंगन हमारे घर का केंद्र बिंदु है जो हमें सकारात्मकता का एहसास कराता है, साथ ही हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा भी भर देता है। वैसे ही देश के केंद्र बिंदु के बारे में जानना भी जरूरी है, यहीं से हमारे पूरे देश को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसलिए ही तो आधुनिकता के इस दौर में भी भारत दूसरे देशों से भिन्न है। तो आगे इस वीडियो में देखें और जानिए वो कौन सी जगह है और वहाँ हर एक छात्र और भूगोल पढ़ रहे किसी भी व्यक्ति को क्यों जाना चाहिए। भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के कटनी जिले के भीमरखेड़ा तहसील के करौंदी गांव के हाल बदहाल हैं। लेकिन यहां करीब 200 की आबादी वाले गांव को भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु माना जाता है। विश्व के 18 देशों और भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा इसी गांव से गुजरती है। विध्यांचल पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के ढलान में बसे इस गांव को इसी खासियत की वजह से देश का दिल यानी हार्ट ऑफ कंट्री भी कहते हैं। वैसे तो यहां देखने के लिए उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर सजावटी पत्थर जरूर दिखते हैं, लेकिन वे भी समय के साथ उपेक्षित हैं। इसे कुछ सालों पहले टूरिस्ट मेगा सर्किट में शामिल किया गया था। इस दौरान लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन कुछ पत्थर लगाने के सिवा कुछ खास नहीं हो पाया। इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर के संस्थापक प्राचार्य एसपी चक्रवर्ती की अगुवाई में 1956 में इस स्थान की खोज के बाद इसे भौगोलिक रूप से देश के केंद्र बिंदु के रूप में मान्यता मिली। दिसंबर 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर करौंदी पहुंचे और उसी साल यहां एक स्मारक बनना शुरू हुआ। इस जगह के महत्व को देखते हुए आध्यात्मिक गुरु महर्षि महेश योगी ने 29 नवंबर 1995 को यहां से कुछ दूरी पर महर्षि विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहां पर विदेशों से भी वेदों का अध्ययन करने बटुकाते हैं, यानी कि यात्री, पर्यटक, छात्र। तो है ना मजे की बात, कितना खूबसूरत वो नजारा होगा जहाँ पर भारत का भौगोलिक केंद्र होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।